मधुबनी आरके कॉलेज के मैदान में गुरु शरण श्राफ की अध्यक्षता में भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय द्वारा आयोजित महादेव प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतर्गत एक दिवसीय महिला फुटबॉल फाइनल मैच का आयोजन किया गया। इसमें महिला फुटबॉल क्लब दिल्ली और महिला फुटबॉल रोहतहट नेपाल के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। मैच के प्रथम हाफ में रोहतहट नेपाल की टीम ने 3-0 की बढ़त ले लिया और फिर मध्यांतर के बाद रोहतहट नेपाल की टीम ने 4 गोल और करके 7-0 से इस फाइनल का मैच जीत लिया। इसमें रोहतहट नेपाल टीम की जर्सी 9 रजनी ठोकर ने 3 और जर्सी नंबर 18 रश्मि कुमारी घिसिंग ने 4 गोल किया। रश्मि कुमारी घिसिंग को बेस्ट ऑफ 22 का नगद पुरस्कार 21,000 का राशि से भावी प्रत्याशी अरुण राय ने सम्मानित किया। उप विजेता टीम को अरुण राय ने सपुत्र प्रशांत राय ने विजेता ट्रॉफी में प्रत्याशी अरुण राय ने महिला फुटबॉल क्लब रोहतहट नेपाल को प्रदान किया। मैच के निर्णायक दिनेश कुमार सुमन, शंभु पंजियार, सुभाष कुमार सिंह, सुरेश राय के मैच में अनेक गणमान्य व्यक्ति बिमल जायसवाल, विश्वनाथ कारक, प्रशांत राय समेत अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। आप चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल का राष्ट्रीय फूल लगाए। सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास। बंगाल गोल्ड टी चाय, एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।